हाय गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। हमारा जो है एक शॉर्ट चैनल भी आ चुका है साहिल ढला शॉर्ट्स के नाम से। अगर आपने वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत बढ़िया, उसमें एक्सक्लूसिव कंटेंट आने वाला है और आ भी रहा है, अपलोड भी हो रहा है साथ साथ। तो गाइज मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप गाइज मेरी मोस्टली वीडियोस को देखते हैं तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि मेरा जो सेटअप होता है ना वीडियो में, वो बहुत ब्राइट होता है, व्हाइट टोन ज्यादा होती है। एज यू कैन सी सारा कुछ जो है व्हाइट व्हाइट सा है, मतलब बहुत व्हाइट और ब्राइट सेटअप होता है। लेकिन अगर मैं चाहूँ इसी सेटअप को विद इन वन सेकेंड इस तरह से डार्क मोड में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और ये सिर्फ ओनली पॉसिबल हो पाता है लाइटिंग की मदद से। तो गाइज आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ चार बजट लाइटिंग, एक ऐसी लाइटिंग जिसकी मदद से आप इस तरह से बहुत जल्दी अपने सेटअप्स को कन्वर्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छी आउटपुट फोटोग्राफी और वीडियो प्रोडक्शन में निकाल सकते हैं अलग अलग लाइटिंग मोड की मदद से। तो आइए देखते हैं कौन सी ये चार लाइटिंग है, किस बजट में आती है और क्या क्या आप इससे कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वो वाली लाइट से जो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगी। तो ये है डिजिटेक की हैंड हेल्ड RGB लाइट। ये दिखाने से पहले मैं एक बार जो है सेटअप को ब्राइट कर लेता हूँ लाइटिंग ऑन करके। तो अब देखिएगा, ये है डिजिटेक की हैंड हेल्ड RGB लाइट। ये लाइट बेसिकली स्टिक लाइट लगा लो आप, इस तरह से होती है। इसके आगे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे बांडोर्स लगे हुए हैं। ये बांडोर्स इस तरह से ओपन होते हैं, जिसका मेन फंक्शन क्या होता है कि यहाँ से लाइट जो भी निकले हम उसको एक डायरेक्शन दे पाए। मान लीजिए लाइट निकल रही है, तो मैं इस तरह से डायरेक्शन दे सकता हूँ, उसको और नैरो कर सकता हूँ या फिर ब्रॉड कर सकता हूँ। और इस लाइट की सबसे खास बात यह है कि ये बैटरी ऑपरेटेड होती है। हमें जो है इस तरह की बैटरी लगानी होती है और हम इससे कॉन्टिन्यूसली काम कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा रोल जो है इसका ये होता है। बाकी गाइस हम इसको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत आसान है इसको कंट्रोल करना। यहाँ पे एक स्क्रू दे रखा है, अगर आप इस बांड डोर को हटाना चाहते हैं, डोर्स को हटाना चाहते हैं, इजीली हटा सकते हैं स्क्रू को लूज करके, और वहां से जो है आप इसको पूरा डिटैच कर सकते हैं। पीछे की तरफ यहाँ पे आपको कुछ बटन कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि पावर ऑन ऑफ और मोड का स्विच, जो मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा, और अप डाउन लेफ्ट राइट के यहाँ पे बटन हमें देखने को मिलते हैं। बाकी पीछे की तरफ ऊपर जो है पूरा प्लेन डिजाइन है, ग्रिल है, मतलब कि यहाँ पे जो है LED लगी हुई है फ्रंट की तरफ, बैक साइड में ग्रिल जो है फ्रेम दे रखा है, और इस तरह से इसका ओवरऑल डिजाइन है। पकड़ने में जो है काफी हैंडी है, प्लास्टिक की बनी हुई है, प्लास्टिक मटेरियल भी ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्राइस ठीक है। हर लाइट का प्राइस आपको यहाँ नीचे देखने को मिल जाएगा, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा, और सभी लाइटों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, वहां से परचेज कर सकते हैं। अब मैं गाइस इसको पावर ऑन करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से वर्क करती है। तो यहाँ पे पावर ऑन का बटन है, इस तरह से आप पावर ऑन प्रेस एंड होल्ड करके कर सकते हैं, और यहाँ पे सबसे पहली जो डिफॉल्ट लाइट निकलती है वो है व्हाइट लाइट, जिसकी इंटेंसिटी मैं यहाँ से लेफ्ट एंड राइट करके जो है कम कर सकता हूँ। अभी 100% पे, मान लीजिए मेरे को इसको 50% करना है, तो मैं इजीली कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे को सिंपली लेफ्ट बटन प्रेस एंड होल्ड करना है, अपने आप इंटेंसिटी कम होती रहेगी। और मान लीजिए मेरे को इसका कलर टेम्परेचर चेंज करना है, अभी व्हाइट आ रही है, मान लीजिए मेरे फेस पे व्हाइट लाइट है, मेरे को इसको येलो करना है, तो गाइज इस तरह से मैं नीचे वाला बटन दबा के कलर टेम्परेचर जो है वो पीछे की तरफ लेके जाता हूँ, यानी कि रिड्यूस कर दूँ। अभी 7500 केल्विन पर है। अगर आप ये टर्म समझते हैं कि केल्विन क्या होता है, तो आप समझ गए होंगे कि ये जो है वाइट टोन क्यों निकाल रही है। तो गाइज इसको जब मैं पीछे करूँगा, यानी कि और भी रिड्यूस करूँगा, तो ये धीरे धीरे वार्म हो जाएगी। एज यू कैन सी ये वार्म होती जा रही है। अब ये जो है पूरी 2700 पे आ चुकी है, यानी कि पूरी वार्म टोन आ चुकी है, और एज यू कैन सी अब मेरे फेस पे येलो कलर की टोन आ रही है। तो सबसे पहला मोड तो ये होगा कि आप जो है व्हाइट और येलो टोन इससे निकाल सकते हैं। अभी इंटेंसिटी में और कम कर देता हूँ, जिससे आपको बेटर आइडिया होगा कि इसका इंपैक्ट कितना बढ़ रहा है। इंटेंसिटी है 30%। अब देखिए गाइस, एज यू कैन सी मेरे फेस पे इस तरह से लाइट आ रही है। तो एक तो इसमें मोड हो गया जिसमें आप व्हाइट और येलो लाइट निकाल सकते हैं। अब इसके बाद जब दोबारा से आप मोड का बटन दबाएंगे, ये पहुंच जाएगी RGB लाइट में। मैंने मोड का बटन दबा दिया है और ये अब देखिए कलर चेंज कर चुकी है। अब यहाँ पे हमें HS देखने को मिलता है। एच मतलब ह्यू को अगर आप चेंज करेंगे, तो आप जो है धीरे धीरे लाइट को चेंज कर सकते हैं। एज यू कैन सी लाइट में जो है फर्क आ रहा है, इसकी टोन में फर्क आ रहा है, और जो सेचुरेशन है उसको अगर मान लीजिए अभी 100% इसको मैं रिड्यूस करता हूँ, तो लाइट का कलर भी चेंज होता जा रहा है, क्योंकि मैं उसकी सेचुरेशन कम कर रहा हूँ। तो इस तरह से ह्यू सेचुरेशन और इसकी इंटेंसिटी को कम ज़्यादा करके हम इसकी RGB लाइट से प्ले कर सकते हैं। तो होल कॉन्सेप्ट इस लाइट को यूज़ करने का ये ज़्यादा जो है मुश्किल नहीं है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। यहाँ पे बटन कंट्रोल में देख के आपको सब चीज़ें समझ आ सकती हैं। उसके बाद गाइस नेक्स्ट मोड है जो इसके अंदर प्रीसेट्स होते हैं, वो वाला मोड। मान लीजिए मैं दोबारा से मोड का बटन दबाता हूँ, तो ये जो है अलग अलग प्रीसेट्स इफेक्ट्स वाले मिले जाते हैं। और उससे भी पहले मैं आपको एक बात बताऊँ गाइस, अभी मैंने लाइट का फेस इस तरफ कर रखा है, और आप देखिए हमारे वीडियो में कोई भी इम्पैक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे बांडोर लगे हुए। अगर मैं बांडोर इस तरह से कर दूँ या फिर इस तरह से करूँ, तो देखो गाइस ब्लू टोन हमारे लेंस में आती है, ब्लू टोन हमारी वीडियो में आती है, क्योंकि लाइट जो है वहाँ पे जा रही है, या फिर जो भी टोन है वो आती है।
तो ये वाली टोन अलग अलग जो चेंज हो रही है वो हमारे कैमरे में आती है और ये बांडोर की वजह से वो रुक जाती है अगर मैं इसको इस तरह से कर दूँ। अगर बांडोर नहीं होते तो ये स्प्लिट होके इस तरफ भी आती। तो देखिए गाइस यहाँ पे हमें बहुत तरह के इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मेरा प्रोडक्ट है और इसके ऊपर मान लीजिए मेरे को लाइट डालनी है, तो यहाँ पे अलग अलग जो है लाइट के इफेक्ट्स हैं। इन लाइट के इफेक्ट से मैं सिनेमैटिक वीडियोस बना सकता हूँ या फिर किसी भी तरह की रील्स बनाता हूँ तो बना सकता हूँ। कोई भी इफेक्ट डालना चाहूँ, अलग अलग इफेक्ट्स हैं, बल्ब के हैं, थंडर के हैं, बहुत सारे इसमें इफेक्ट्स हैं, टीवी के हैं। तो आप जो है यहाँ पे टोटल देखते हैं हमें मिलते हैं 14 इफेक्ट्स इसमें हैं और बहुत सारे इफेक्ट्स इसमें देखने को मिलते हैं। अभी एम्बुलेंस वाला है, पुलिस वाला है, आपकी थीम के अकॉर्डिंग है। आप जो है इस लाइटिंग को कैसे यूज़ करते हैं आपके ऊपर है, आप इस तरह से अपनी वीडियोस में यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट मेरे को लगा ये म्यूज़िक वाला जो कि 13 नंबर पे, जो भी मैं बोलूँगा उसके अकॉर्डिंग ये लाइट जलेगी। अगर मैं शांत हूँ तो देखिएगा इस लाइट नहीं जल रही थी, अब मैं बोल रहा हूँ तो लाइट जले जा रही है, इस तरह से जो है परफॉर्म करती है। तो टोटल आपको मिलते हैं 14 मोड्स इस लाइट में। और इस लाइट को मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल यूज करके दिखाता हूँ जिससे आपको और इंटरेस्टिंग लगेगी ये लाइट। तो सबसे पहले कर लेते हैं सारी लाइट्सों को ऑफ ताकि हम जो है इसके साथ खेल सके। तो मैंने सारी लाइटें ऑफ कर दिया। अब ये है मेरा मेन प्रोडक्ट और मान लीजिए मेरे को इसके ऊपर लाइट डालनी है, तो गाइज मैं इस तरह से इसके ऊपर लाइट का इफेक्ट डाल सकता हूँ। यहाँ से लाइट इस तरह से इस पे डाल सकते हो। कोई भी प्रोडक्ट हो या फिर कोई भी ह्यूमन बींग हो, कोई भी करेक्टर हो, कोई भी पर्सन हो, आप इस तरह से लाइट को घुमा के इस तरह से इफेक्ट्स डाल सकते हैं। एज यू कैन सी कितनी सॉफ्ट लाइट मेरे फेस पर आ रही है और इस तरह से मैं इसकी इंटेंसिटी को कम ज़्यादा तो कर ही सकता हूँ, लेकिन मैं इस तरह से मूवमेंट करके एक बढ़िया इफेक्ट अपनी वीडियोज में ला सकता हूँ। अब गाइज ये प्रैक्टिकली कहाँ काम आती है इस तरह की लाइटिंग आती है जब आप किसी प्रोडक्ट की बी रोल वीडियोज बनाते हो, आप कोई ब्राइडल शूट करते हो, वेडिंग शूट करते हो, कॉर्पोरेट शूट्स करते हो, कोई एड शूट कर रहे हो, हर तरह की ऑलमोस्ट वीडियो में इस तरह की लाइटिंग के इफेक्ट्स काम आते हैं। तो सबसे पहली लाइट जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा वो है ये वाली लाइट जिसमें आपको कूल टोन, वार्म टोन, आरजीबी लाइट सारी चीज़ें मिलती हैं और ये बांडोर्स मिलते हैं जिसकी मदद से आप जो है लाइट को काफ़ी ज़्यादा जो है नैरो भी कर सकते हैं और वाइड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरी लाइट परफॉर्म करते हैं। और सबसे बेस्ट चीज़ ये गाइस इसके आगे डिफ्यूज़र लगा हुआ है प्लास्टिक का, तो जो भी लाइट इसके अंदर से निकलती है वो बहुत सॉफ्ट होकर निकलती है और हार्श इम्पैक्ट आपके फेस पर नहीं डालती। तो अगर आप YouTube वीडियोस भी बनाना चाहते हैं अपने मोबाइल या फिर कैमरा से, इस तरह की लाइटिंग को यूज़ करके आप अपनी YouTube वीडियोस में भी इसको ले सकते हैं या फिर अपने बैकग्राउंड में, जैसे मैंने पहले रिंग लाइट लगा रखी थी, आप इस लाइट को भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये अलग अलग जगह मल्टीपर्पज़ यूज़ में आ सकती है RGB लाइट, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा गाइस इस लाइट के साथ ना हमें एक रिमोट भी देखने को मिलता है जिसकी मदद से हम इस लाइट को पूरा कंट्रोल कर सकते हैं वायरलेसली। तो आप इसको ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं और इस रिमोट में वो सारे बटन कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं जो आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। मान लीजिए आपने इसको ऑन किया और आप इसको HSL मोड में डालना चाहते हैं या फिर RGB जिसे हम कहते हैं, तो उस मोड में भी जा सकते हैं। अगर आपको इफेक्ट्स वाले में जाना है तो यहाँ पे इफेक्ट्स के सारे शॉर्टकट्स दे रखे हैं, उसकी मदद से गाइज आप अलग अलग इफेक्ट्स को इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। मैं यहाँ से बटन दबा रहा हूँ तो अलग अलग इफेक्ट्स हो रहे हैं, आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो है चेंज हो रहे हैं। तो ये बटन कंट्रोल की मदद से गाइज आप जो है बहुत फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इस लाइट के साथ काम कर सकते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है लाइट बहुत दूर होती है और हम अपने काउंटर पे बैठ के या फिर टेबल पे बैठ के शूट कर रहे होते हैं, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, मान लीजिए लाइट वहाँ पे है, तो मैं इसी से ही ऑन और ऑफ कर सकता हूँ जो कि बहुत काम आता है प्रैक्टिकली। इस रिमोट की वजह से आपको बिना उठे लाइट ऑन और ऑफ करने का और सारे इफेक्ट्स को चेंज करने का फीचर देखने को मिल जाता है। और जैसे कि गाइस मैंने आपको बताया कि ये जो लाइट है बैटरी से चलती है, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है जहां पे बैटरी आपकी चार्ज नहीं है तो गाइस इसके साथ हमें एडेप्टर भी मिलता है। उस एडेप्टर को यूज करके आप इसको पावर ऑन कर सकते हैं बिना बैटरी के और आप कंटिन्यूअसली यूज कर सकते हैं अपने शूट पे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट लाइट की तरफ, जो एक ऐसी लाइट है जिससे मैंने अपना वेडिंग का करियर जो है शुरू किया था, वेडिंग वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का। और वो एक ऐसी लाइट है, अगर आपकी किट में लाइट नहीं है ना और आप एक वेडिंग वीडियोग्राफर है तो आपकी शायद किट इनकम्प्लीट है। आपके पास ये लाइट जरूर होनी चाहिए और वेडिंग लाइन में इस लाइट को कई बार बोलते हैं इमरजेंसी लाइट। तो ये गाइस लाइट है, बहुत ही कॉम्पैक्ट और बहुत ही बजट फ्रेंडली लाइट है। और इस लाइट में बेसिकली आगे जो है बांडोर्स लगे होते हैं, इस तरह से आप इसको ओपन कर सकते हैं लेफ्ट राइट अप एंड डाउन करके, चार इसमें बांडोर्स है जिससे आप लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं जिस भी डायरेक्शन में आपको डालना है। अगर आप ये बंद कर देंगे लाइट कम हो जाएगी, उसकी जो फैलावट है वो कम हो जाएगी, इस तरह से खोलेंगे तो ब्रॉड फैलेगी। और बैक की तरफ आपको दो नॉब देखने को मिलती है, एक जो है कूल टोन प्रोवाइड करते हैं यानी कि वाइट टोन और दूसरा वार्म टोन प्रोवाइड करते हैं। और ये भी बैटरी से चलती है, इस तरह की बैटरी आप जो उसमें लगा रहे थे सेम इसमें लगती है। और यहाँ पे आपको सिंपली स्विच ऑन और ऑफ करने का जो है
बटन देखने को मिलता है, दैट्स इट। यहाँ पे सिर्फ 3 कंट्रोल है, ज्यादा कंट्रोल नहीं, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक और बहुत काम की लाइट है। तो मान लीजिए अगर आप वेडिंग वीडियोग्राफी करते हैं, आपका बजट कम है, आपको एक अच्छी लाइट लेनी है, इस तरह की लाइट ले सकते हैं। आप यूट्यूब वीडियोज बनाते हैं, इस तरह की लाइट ले सकते हैं। कोई भी वीडियो बनाते हैं, आपको ये लाइट चाहिए ही चाहिए, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसकी लाइट की इंटेंसिटी भी ज्यादा है। मान लीजिए मेरे को लाइट की इंटेंसिटी बढ़ानी है, मैं सिंपली यहाँ से ऊपर वाली जो नॉब है इसको अगर मैं घुमाऊंगा, डायल को घुमाऊंगा, तो लाइट जो है इस तरह से ब्राइट हो जाती है। मैं थोड़ा सा इधर करके आपको लाइट पूरी फुल ब्राइट करके दिखा दो, फिर मैं इधर करूंगा, आपको आइडिया हो जाएगा। तो अभी मान लीजिए फुल व्हाइट टोन की इंटेंसिटी है, व्हाइट लाइट की इंटेंसिटी, एज यू कैन सी विजिबल भी सही से नहीं हो रही, और अगर मैं अपने फेस पर डालूं तो ये एरिया पूरा ओवर एक्सपोज हो रहा है। तो अगर आप वेडिंग में सिनेमेटोग्राफी करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, इस लाइट को कंसिडर कर सकते हैं। इस लाइट से आप बहुत अच्छे सिनेमेटिक इफेक्ट्स या फिर लाइट की मूवमेंट्स कर सकते हैं। और इसी तरह से सेम मान लीजिए अगर आप येलो टोन चाहते हैं, तो इस तरह से आप येलो टोन भी ला सकते हैं। दूसरे वाले जो यहाँ पे हमें नॉब देखने को मिलती है, डायल देखने को मिलता है, इसको घुमा के आप दोनों को ऑन करेंगे, तो दोनों ऑन करके आप और भी ब्राइट लाइट कर सकते हैं, येलो और व्हाइट। अब मैंने दोनों लाइट ऑन कर दिया, एज यू कैन सी कितनी ज्यादा ब्राइट लाइट है कि मेरी आंखों में लग रही है। लेकिन गाइस इसका बैकअप बहुत अच्छा होता है और ये बहुत काम की लाइट है। प्रैक्टिकली मैंने इस लाइट के साथ बहुत काम किया है, तो ये लाइट वन ऑफ द बेस्ट लाइट मैं बोलूंगा कि बजट में आती है और बहुत ही बढ़िया लॉन्ग टर्म में काम करती है। आप ऐसी 3-4 बैटरीज खरीदे तो बहुत लंबा जो इसका बैटरी बैकअप होता है, और आप इस तरह से इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो ये सबसे बेसिक लाइट है, आप अपने कैमरे के ऊपर लगा सकते हैं, ट्राइपॉड के ऊपर लगा सकते हैं, दूर से भी फेंकेंगे तो भी इस लाइट का इफेक्ट आ जाएगा अगर आप एक प्राइम लेंस यूज कर रहे हैं। इवन आउटडोर शूट्स में भी इस लाइट से आप काफी हद तक अच्छा फोटोशूट और वीडियो शूट कर सकते हैं, मतलब इसका जो इम्पैक्ट है सच में बहुत बढ़िया है। तो ये भी एक बहुत अच्छी लाइट है बजट सेगमेंट में, अगर आपका बजट कम है और आप RGB लाइट नहीं चाहते, आपको अलग अलग कलरफुल लाइट नहीं चाहिए, आपको सिंपली व्हाइट और येलो लाइट चाहिए, तो आप गाइज इस लाइट को कंसिडर कर सकते हैं, ये बहुत बढ़िया लाइट है। ऑल राइट, अब बात आती है नेक्स्ट लाइट की, जो है ये वाली लाइट। ये सेम इसी तरह से जो ये लाइट मैंने दिखाई है, सेम ऐसी लाइट है, लेकिन ये साइज में छोटी है, कॉम्पैक्ट है, और ये एक RGB लाइट है। जिस तरह से आपको इसमें RGB लाइट के फीचर्स मिलते हैं ना इस लाइट के, इसी तरह से इन ए कॉम्पैक्ट वे इस लाइट में भी आपको RGB के सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो सिंपली इसको ऑन करना बहुत आसान है, और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर इनबिल्ट बैटरी है। तो यहाँ से ऊपर एक बटन दे रखा है, ऊपर जो है आप इस तरह से ऑन कर सकते हैं, ऊपर से स्विच जो है आप इधर करेंगे राइटवर्ड्स तो ऑन हो जाएगी। और ये जो बॉडी है ये मेटल की बॉडी है, प्लास्टिक बॉडी नहीं यूज कर रखी, मेटल की बॉडी है, बहुत अच्छी क्वालिटी की बॉडी है। और यहाँ पे हमें जो है कुछ बटन कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं साइड में, जिसकी मदद से हम इस लाइट को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे M बटन यानी कि मोड बटन, जिसकी मदद से आप जो है अलग अलग मोड्स में इसको जो है लेके जा सकते हैं, यानी कि HS मोड में या फिर वाइट टोन वाले मोड में, जहाँ पे वाइट और येलो टोन होती है, इस तरह के मोड में। यहाँ पे गाइस सिलेक्ट के लिए अगर आप उन्हीं सेटिंग्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं, अप एंड डाउन करना चाहते हैं, तो अप और डाउन करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये बटन अंदर प्रेस भी होता है, तो इस डायल से आपको प्रेस भी करना है। जो भी आप सेटिंग करना चाहते हैं मैं ऑफ करके आपको दिखा देता हूँ, ताकि लाइट जो है ज़्यादा ना फैले। उसके बाद नीचे है ब्राइटनेस का फीचर, ब्राइटनेस में अगर आप प्लस माइनस करना चाहते हैं, कम ज़्यादा करना चाहते हैं, तो इस तरह से ब्राइटनेस कर सकते हैं। इसको चार्ज करने के लिए नीचे टाइप सी का पोर्ट है, और अगर आप इससे अपने फ़ोन को चार्ज करना चाहते हैं तो इसमें USB पोर्ट दे रखा है। यहाँ पे ट्राइपॉड का माउंट है, और ट्राइपॉड के माउंट सभी लाइटों में मिलता है हमें। जितनी भी मैं आपको लाइटें दिखा रहा हूँ सब में आपको ट्राइपॉड का माउंट देखने को मिलता है, आप इजीली जो है अटैच कर सकते हैं। तो ये लाइट भी काफ़ी कमाल की है, अगर आपको कॉम्पैक्ट लाइट चाहिए तो बहुत बढ़िया। इसकी गाइज मैं आपको इंटेंसिटी दिखा दूँ सबसे पहले ब्राइटनेस की, तो यहाँ पे जैसी गाइज मैं ब्राइटनेस फुल करता हूँ ना, इसको पूरा 100% लेके जाता हूँ, तो देखिए गाइज कितनी ज़्यादा ब्राइट लाइट है। एज यू कैन सी अभी 85% पर, यहाँ पे सारा ओवर एक्सपोज हो गया है, मतलब मैं आपको इम्पैक्ट दिखा रहा हूँ कितना ज़्यादा पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ता है। और यहाँ पे अगर मैं इसका मोड चेंज करता हूँ, M बटन दबा दूँ, तो इस तरह से इसका मोड जो है RGB लाइट में जाता है। अब मैं इस तरह से इसको चेंज कर सकता हूँ, मान लीजिए मेरे को ब्राइटनेस कम करनी है और मेरे को थोड़ा सा कलर चेंज करना है, तो मैं इस तरह से इसके कलर्स को चेंज कर सकता हूँ, ह्यू बढ़ा के, सैचुरेशन बढ़ा के, बहुत सारे इसमें जो फीचर्स हैं जिसकी मदद से आप जो है लाइट को इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो RGB मोड इस तरह से काम करता है। दोबारा से आप मोड बटन दबाएंगे तो इसमें कुछ प्रीसेट्स हैं, जिस तरह से इस लाइट में 13 प्रीसेट्स थे, इसी तरह से इस लाइट में कई प्रीसेट्स हैं। इसमें भी आई थिंक बहुत सारे प्रीसेट्स हैं जिसकी मदद से आप जो है अलग अलग प्रीसेट्स में जा सकते हैं, जैसे कि कैंडल है, फ्लेम है, और भी बहुत सारे आपको मिलते हैं, पुलिस वाला, फायर ट्रक, एम्बुलेंस, ये देखिए गाइस इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, और स्ट्रोब लाइट्स हो गया, इस तरह से देखिए गाइस। तो ये जो चीज़ें हैं ना आपको बड़ी कॉम्पैक्ट वे में मिलते हैं, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा इस लाइट में और उस लाइट में फ़र्क क्या है।
उसकी इंटेंसिटी और पावर ज्यादा है, उसका लाइट का जो थ्रो है वो अलग है क्योंकि ये स्क्वायर लाइट है, इसके कोई भी बाउंड डोर्स नहीं है, ये डायरेक्ट जो है लाइट फेंकेगी, फैल के फेंकेगी, लेकिन इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं इसके अंदर से जो लाइट निकलेगी। तो दोनों लाइट में बेसिकली ये फर्क है। और ये जो है कॉम्पैक्ट है, इसमें बैटरी आपको डालने की नीड नहीं है, यहाँ पे छोटी सी डिस्प्ले दे रखी है, यहाँ पे डिस्प्ले में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, बैटरी कितनी देर चलेगी, लाइट कितनी देर चल सकती है, कितने घंटे चल सकती है, ये सारी जानकारी आपको मिल जाती है। तो अगर आपको RGB कॉम्पैक्ट लाइट चाहिए, आपके पास इतनी ज़्यादा जगह नहीं है कि आप इतनी बड़ी बड़ी लाइट लेके घूमें कहीं पे भी जाएं, मान लीजिए आप ट्रैवलर हैं, व्लॉगर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आप इस तरह से इसको पॉकेट में ले जा सकते हैं। एज यू कैन सी मेरे हाथ जितनी जो है लाइट है, कितना कॉम्पैक्ट इसका साइज होगा। तो ये RGB लाइट आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं, ये मेरी वन ऑफ दी फेवरेट RGB बजट लाइट है जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, बहुत बढ़िया रहती है। और जब भी हमें बहुत ही बढ़िया डिटेल शॉट लेने होते हैं तो इस तरह की छोटी लाइट काफ़ी हैंडी रहती है। मान लीजिए मेरे को इस तरह का कोई भी डिटेल शॉट लेना है तो मैं बहुत इजीली इस तरह से घुमा के लाइट के इम्पैक्ट्स जो है अपने प्रोडक्ट पर डाल सकते हो। तो ये लाइट मेरे को वन ऑफ द बेस्ट लाइट लगती है बजट सेगमेंट में, RGB सेगमेंट में। ऑल राइट गाइज, अब चलते हैं नेक्स्ट लाइट की तरफ जो सबसे ज्यादा बेस्ट है व्लॉगर्स के लिए या फिर उन कॉन्टेंट क्रिएटर्स के लिए जिनको बहुत ही कॉम्पैक्ट, इससे भी कॉम्पैक्ट लाइट चाहिए और इंटेंसिटी अच्छी चाहिए। तो ये लाइट आप कंसीडर कर सकते हैं, देख सकते हैं कितनी छोटी है, मेरे हाथ में यहाँ पे आ रही है, मतलब इतनी छोटी लाइट है। और गाइज इसके अंदर तीन हमें मोड देखने को मिलता है, बहुत इजी टू यूज़ है, यानी कि दो हमें यहाँ पे नॉब देखने को मिलता है, डायल देखने को मिलता है, सिंपली हमने इसको ऊपर करना है तो ये ऑन हो जाती है। पहला मोड है CCT, यानी कि इसमें जो है कलर टेम्परेचर हम चेंज करके वाइट और येलो टोन जो है इस तरह से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें छोटी सी डिस्प्ले देखने को मिलती है जहाँ पे बैटरी और इसका जो कलर टेम्परेचर है वो दिखाता है। मान लीजिए मेरे को इसको येलो करनी है, मुझे सिंपली इसका कलर टेम्परेचर थोड़ा डाउन करना पड़ेगा जिससे जो है येलो हो जाएगी। तो अब एज यू कैन सी इसका इम्पैक्ट धीरे धीरे जो है येलो हो रहा है, तो अब मैं गाइज इस पूरी लाइट को येलो कर देता हूँ। अब ये देखिए गाइज इसका इम्पैक्ट जो है येलो टोन में आ गया। और गाइज अगर मेरे को इस लाइट की इंटेंसिटी बढ़ानी है तो M बटन को मैं प्रेस करके इस तरह से ऊपर वाले डायल से इसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकता हूँ। तो गाइज अब मैंने इसकी इंटेंसिटी कर दी है 95%। एज यू कैन सी कितनी ज़्यादा छोटी और ब्राइट लाइट है। और सबसे अच्छी बात, मैं ऑफ करके आपको दिखाता हूँ, सबसे अच्छी बात इसके आगे डिफ्यूज़र लगा हुआ है, जो भी लाइट निकलती है डिफ्यूज़ होके निकलती है। CCT के बाद नेक्स्ट मोड है HSI, सेम ह्यू सेचुरेशन वाली लाइट जिसमें आप अलग अलग मोड्स में जो है इसको चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ह्यू बढ़ाना है या फिर कम करना है, उसके अकॉर्डिंग जो है लाइट चेंज होती रहेगी। मैं सेचुरेशन कम कर दूँ तो लाइट जो है अलग कलर देगी। इस तरह से आप इसकी RGB लाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, इसके अंदर और इसके अंदर, ये तीनों लाइट जो है RGB लाइट है। इसमें आप ह्यू सेचुरेशन एडजस्ट कर सकते हैं HSI मोड में। और उसके बाद नेक्स्ट मोड है इफेक्ट्स वाला मोड। इसमें गाइज आपको जो है मल्टीपल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, मान लीजिए कैंडल वाला हो गया एज यू कैन सी, उसके बाद फ्लेम 1 वाला है, उसके बाद फ्लेम 2 वाला है, पुलिस वाला है सेम जो इसमें थे इफेक्ट्स, और एम्बुलेंस वाला है, फायर ट्रक है, मतलब इसमें आपको मल्टीपल 19-20 आराम से इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं जिसकी मदद से आप जो है बहुत तरह के लाइट के इम्पैक्ट्स डाल सकते हैं। तो ये छोटी सी बहुत काम की। और इसके पीछे मैग्नेट लगी हुई है, किसी भी लोहे वाले सरफेस पे ये इजिली अटैच हो जाती है, जहाँ पे भी मिल जाए आपको लोहे का कोई भी एंगल हो, कुछ भी हो, कोई भी पोल हो, तो आप इस तरह से वहाँ पे अटैच करके कोई भी लाइट डाल सकते हैं। अदरवाइज इस लाइट में नीचे और ऊपर दोनों की तरफ ट्राइपोड का आपको माउंट देखने को मिलता है, और आप इसको अपने कैमरे पर डायरेक्टली भी लगा सकते हैं ऊपर की तरफ। तो ये सारी लाइटें जो मैंने आपको दिखाई ना, बहुत काम किया, मतलब ये सारी लाइटें आप अपने पर्पस के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। अगर आप थोड़े बिगनर लेवल पे कंटेंट क्रिएटर हैं, इस लाइट को जो है कंसिडर कर सकते हैं। बिगनर लेवल पे RGB लाइट लेना चाहते हैं, इस लाइट को कर सकते हैं। वेडिंग वीडियोग्राफी करते हैं, छोटी लाइट चाहिए, RGB भी हो और ऐसे वाला काम भी करे इसके साथ, जैसे व्हाइट येलो लाइट है, तो गाइस उस सिचुएशन में ये लाइट कंसिडर कर सकते हैं। आपको सिंपली व्हाइट और येलो लाइट चाहिए, किसी भी तरह की वीडियो प्रोडक्शन में इसको ले सकते हैं। सभी के प्राइस मैंने नीचे डाल दिए थे, आप अलग अलग सेगमेंट में जब भी मैं लाइट के बारे में बता रहा हूँ आपको आइडिया हो गया होगा कौन सी लाइट कितने की है। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग जो है ले सकते हैं, लेकिन मेरे को इनमें से सबसे बेस्ट लाइट जो बजट लाइट है वो है येवली लगती है। एक येवली जिसमें मैं मल्टीपल जो है चीज़ें कर पाता हूँ, और इसका इंटेंसिटी जो है लाइट की काफ़ी ज़्यादा है, और ये दोनों लाइटें भी मेरे को बहुत पसंद आई, RGB में येवली और वैसे येवली। आई होप गाइज आपको इस वीडियो से बहुत कुछ पता लगा होगा कि बजट सेगमेंट में कौन कौन सी लाइटें आ रही हैं Digitech ब्रांड की तरफ से, क्योंकि Digitech की चीज़ें मैं बहुत पहले से यूज़ करता आया हूँ, मतलब मेरे YouTube की जर्नी शुरू भी नहीं हुई थी तब से मैं यूज़ करता आ रहा हूँ, और मोस्टली वेडिंग वीडियोग्राफर भी इस ब्रांड को काफ़ी हद तक जानते हैं। तो ये प्रोडक्ट जो है मेरे को काफ़ी इनके सही लगे बजट के हिसाब से। बाकी गाइज आपको कौन सी लाइट अच्छी लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड गाइज वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Stay tuned until next video.